शराब शराब शराब, मैं तुम्हारी इन आदतों से तंग आ चुकी हूँ। क्यों फिक्र कर रही हो मम्मी, घर ही पर तो पी रहा हूँ। एंड रेस्ट श्योर, मैं आपको पार्टी में एम्बैरेस नहीं करूंगा और आपकी सेलिब्रेशन में कोई भी खलल नहीं आने दूंगा। डोंट वरी। वरी ना करो तो क्या करूं? क्या हालत बना लिया तुमने अपनी, जैसे जीना ही छोड़ दिया है तुमने। कहाँ छोड़ा है माँ, जी तो रहा हूँ किसी और के हिस्से की जिंदगी। खुद को संभालो सिर, अपने आप को यूं शराब में डुबाकर तुम इसे जीना कहते हो? लाइफ की सच्चाई को फेस करना सीखो डैमिट, ये शराब सच्चाई नहीं है। लाइफ फेस करो ना, यही कहना चाहती है ना आप? ओके, आई विल क्विट। अब मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दूंगा माँ, और सबसे पहले मैं उन लोगों को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा कि उनका बेटा फरार नहीं हुआ है, मारा जा चुका है वो, और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं हूँ, मैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसका नतीजा जानते हो तुम? तुम भी उस आदमी के स्कैम में शामिल हो जाओगे। सब लोग तुम्हारे और जेटली के कनेक्शंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मैं जो समाज में इतनी सम्मानित होती हूँ, कल इसी समाज से मुंह छुपा के फिरूंगी। बस, आप सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हैं, किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत है आपके पास? मैं जा रहा हूं यहां से। सिड, सिड मेरी बात सुनो। सिड, सिड ये क्या करने जा रहे हो तुम? सिड, सिड मेरी बात सुनो। सिड, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? सिड, क्या कुछ नहीं किया? तुम छोटे से थे जब तुम्हारे पापा हमें छोड़ के चले गए, मैंने पाला है तुम्हें अकेले, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया। सिड, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन बेटा? और तुम ये सब कुछ एक पल में मिटा देना चाहते हो? तुम्हें मेरी कसम है सिड, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सिड, आपको ये घर इसी वक्त खाली करना होगा। नहीं खाली करते, क्या कर लोगे, जबरदस्ती निकालोगे क्या? ये बैंक के पास गिरवी रखी गई थी और बैंक इसे अटैच कर रही है। आपको नोटिस दे दी गई थी, घर खाली करने की मोहलत थी वो। आप प्लीज अपना सामान बाहर निकाल लीजिए, हम इंतजार कर लेंगे। ऐसे कैसे खाली कर दे भैया, मेरा सारा परिवार यहाँ रहता है, मेरा बेटा यहाँ नहीं है, उसे तो आ जाने दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका सामान निकाल के बाहर फेंक दो। एक मिनट, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, हम अपना सामान खुद उठाएंगे। गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम लोग अपना सामान पैक करो, तुम सब अब मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। आओ आओ रोहिणी। रोहिणी आओ। आओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? किससे पूछकर इन्हें यहाँ ले आए हो तुम? क्या जरूरत है इनको
इतनी दया दिखाने की? अहिल्या शांत हो जा। अरे शांति तो तुमने भंग कर दी है मेरे घर की। सारे शहर में क्या एक हमारा ही घर था इन्हें आने के लिए? और तुम्हारी अक्का कहाँ चली गई? चार चार लोग, चार चार लोग। अच्छा भला चैन से जी रहे थे हम, अब मुसीबत पालती गले में। मम्मी, अरे मम्मी चाची आई है। हाँ चाची आई है और चाची की सारी फौज। अरे दान ही करना था, तुम मंदिर जाके 200-400 रुपए दे आते, ये आफत भरने की जरूरत क्या थी? तुम चुप रहोगी या नहीं? घर में पैर रखाने की बकवास शुरू हो गई तुम्हारी, मैं ही लाया हूं, सुना तुमने? और अब ये लोग यहां ही रहेंगे, और इसके बाद अगर तुमने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ रोहिणी, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। मैं भी कुछ नहीं पीऊंगा और आप भी कुछ नहीं पियेंगे, क्योंकि रात को वी आर गोइंग टू ड्रिंक लाइक अ वॉटरफॉल एंड गोइंग टू फॉल। आज शाम को आंटी की पार्टी पर बहुत सेलिब्रेट करेंगे, वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर आप आ रहे ना पार्टी पर? तुझे क्या हो गया सिड? हाँ व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुझे याद है, तुझे याद है जिस किसी भी पार्टी पर हम जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो एंड रूल द पार्टी यार, हर एक पार्टी के बादशाह हुआ करते थे हम। लेकिन आज आज सच ये है कि तुम एक निहायत ही बोरिंग, एक डल और एक लॉस्ट इंसान हो। सो प्लीज लॉस्ट इन स्पेस पर्सनैलिटी वापस दुनिया में आ जाइए। और मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, मेरी आंटी नहीं आपकी मम्मी की पार्टी है, और वो बहुत स्पेशल पार्टी है, और आपको वहाँ पर आना ही है, बतौर गेस्ट नहीं, आपको वहां पर होस्ट बनकर आंटी के साथ लोगों को रिसीव करना है। डोंट फील लाइक इट एम, कांट हेल्प इट। सिड, आंटी की कॉन्टैक्ट्स, आंटी का सोशल सर्कल, तुम्हें इन लोगों की परवाह नहीं? वो सब लोग क्या सोचेंगे? हाँ वो सूडोज, वो क्या सोचेंगे, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। सिड देखो, तुम्हें उनकी परवाह नहीं है, इट्स ओके, अपनी मम्मी की परवाह है या वो भी नहीं? हाँ देख सिड, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होती है जो हमें ना चाहते हुए भी निभानी पड़ती है। लिसन, जस्ट चीयर अप, बी अ सपोर्ट एंड यू आर कमिंग फॉर द पार्टी। थैंक यू, इम्पॉसिबल मैन। तब मालूम है चिड़िया ने अपने बच्चों से क्या कहा? चिड़िया ने कहा, अब जब किसान अपनी फसल काटने खुद आएगा तब हमें कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। काश भगवान ने इन लोगों को भी कुछ अक्ल दी होती तो ये दिन ही देखना ना पड़ता, ना इन्हें और ना ही हमें। लेकिन जमाना ही कुछ अलग है, लोगों की तो अपनी जुबान भी अपनी नहीं होती। बहुत बड़बड़ा कर गई थी, दोबारा तुम्हारी दहलीज पर कदम तक नहीं रखूंगी। क्या हुआ? हा? आ गई ना वापस, हो गई ना बोलती बंद, आ गई सारे खानदान को लेकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई एहसान, कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। और एक और बात सुन लो मुझसे, मुफ्त में नहीं तोड़ूंगी तुम्हारी रोटियां, जानती हूं कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, ले लेना किराया हमसे। किराया? हाँ हाँ क्यों नहीं, पता है मुझे तुम लोग कितने पैसे वाले हो। ए लड़की, तेरी ये हिम्मत, हाँ मेरे ही घर में मेरे ही मुंह पे तू दरवाजा बंद कर रही है? अरे कल की आई हुई, हाँ तुझे क्या लगता है पति को घर से भगा दिया तो मुझे भी मेरे घर से भगा दोगी तुम? हाँ ये मेरी बहू है, इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी मैं। खबरदार, जो किसी ने मुझे इस घर में आंखें दिखाई तो, ये मेरा घर है और जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगी। क्या हो रहा है? बाज नहीं आओगी तुम अपनी हरकतों से? अरे चैन से जीने दोगी कि नहीं किसी को? चपते को पकती रखियो, चलो जाओ काम करो अपना। आप रहने दीजिए मुझे। सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? जाओ इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। सबके सामने डांट दिया मुझे, जैसे कि मैं इनकी कोई लगती ही नहीं हूं।
24 घंटे नहीं हुए आकर, इनको भी अपने हाथ में कर लिया। मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ, बताऊंगी मैं लोगों को। मिसेस बख्शी, आपने तो कमाल ही कर दिया। जितनी बड़ी अचीवमेंट उतना ही बड़ा अवार्ड। मिसेस बख्शी का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, इनसे ज्यादा तो और कोई अवार्ड डिजर्व नहीं करता। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो हमेशा से ही मॉडेस्ट रही हैं पम्मी जी। मिसेस बख्शी, सिद्धार्थ नहीं आया अभी तक? बस आता ही होगा, उसे कहीं जरूरी जाना था। मिसेस बख्शी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। वैसे वो टेक्नो फाइल वाला ऑर्डर आपको मिला कि नहीं? जहाँ आपकी सिफारिश हो वहाँ भला कोई ना कर सकता है। वैसे सिद्ध ने बड़ी हेल्प की थी मेरी। कहाँ है सिद्ध? बस आता ही होगा, कुछ फॉरेन से बायर आ गए हैं, उनसे मीटिंग निपटा के सीधे यहीं आने वाला है। ओह आई सी, तभी मैं कहूँ पार्टी कुछ अधूरी अधूरी सी क्यों है। एक्सक्यूज मी प्लीज। तुमने सिद्ध से बात की थी? जी, और मैंने राजीव से कहा था कि उसे किसी तरह कन्विंस करके यहाँ ले आए। आप फिक्र मत कीजिए, वो जरूर आएगा। एक दो तीन चार पाँच छः। तूने मेरी घोड़ी क्यों काटी? अरे मेरा 6 आया था ना, इसलिए। तू चीटर है। हैं? अच्छा पापा, सॉरी। नो सॉरी वॉरी। अरे तू तो रूठ गया। आजा मेरा बेटा, आजा, चल खेलते हैं, कितना मजा आ रहा है ना। हैं? ओहो, अब क्या हो गया, इतना भाव क्यों खा रहे हैं? मैंने हूँ तेरा बेटा। तू मेरा बेटा तो नहीं है, हाँ, पर हो सकता था, क्योंकि तुझे पता नहीं एक बात, मैं बताता हूँ, किसी को बोलना नहीं, तेरी मम्मी के साथ ना मेरी शादी होने वाली थी, हाँ, पर ऐन वक्त पर तेरे बाप ने बीच में आकर अड़ंगी मार दी। नहीं तो तू मेरा प्यारा बेटा होता ना। है? अरे बेटा क्या हुआ, तेरी ये हिम्मत? हाँ क्या हुआ? अरे एक तो घर में रखो, ऊपर से ये हरकतें। हाँ ये लड़के, अगर मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो दो लगाओगी खींच के, समझा? और कोई मुझे नहीं रोकेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। आज के दिन ये अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मेरे बेटे सिद्धार्थ की सगाई जैन इंडस्ट्रीज के मिस्टर रमेश जैन की बेटी शायला जैन के साथ करती हूँ। हम इस बारे में अंदर जाकर बात कर सकते हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, वहां दम घुटता है मेरा। सिद्धार्थ अपनी मॉम के बारे में सोचो प्लीज।
वो सबको क्या जवाब देंगी? जब कोई उनसे पूछेगा कि एक सेकंड में सिद्धार्थ उठकर कहां चला गया, सबको क्या जवाब देंगी वो? मैं कोई पपेट नहीं हूं राजीव की, जो मुझे जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे नचाने की कोशिश करता रहे और मैं नाचता रहूंगा। You got it? You better get it. सिद्धार्थ अमर जेटली का घर है जो फरार हो चुका है। सिर्फ सीरियसली मेरी समझ में नहीं आ रहा, वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुझे इस फैमिली के साथ क्या हमदर्दी है। यहां तो ताला लगा हुआ है। दिस हाउस हैज बीन सील्ड एंड दिस इज माय प्रेडिक्शन सिर्फ, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूं, ये सारा कांड करने के बाद उसका परिवार भी गायब हो जाएगा, उसके पास चला जाएगा। सिर्ड ये सब प्री प्लान्ड है, सिर्ड ट्रस्ट मी, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, लेकिन तुम उनके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार क्यों हो? और लेकिन वो लोग गए कहाँ? अरे फार ईस्ट, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कहीं भी गए होंगे। से आई एम टॉकिंग अबाउट 250 करोड़, 250 करोड़ रुपीज सेड। अभी याद आया, उस दिन टीवी पे वो दोनों औरतें कितनी घाग लग रही थी। वो माँ तो क्या रोने की एक्टिंग कर रही थी, सेड इतनी जेन्युइन, और वो बहू दिखने में बड़ी सती सावित्री थी, लेकिन थी एक नंबर की चालू। ये बड़प्पन का ठोंक अपने पास रख राजीव, किसी के बारे में बिना जाने अनाप शनाप बोलना बहुत आसान है, और तू उस इंसान के बारे में उतना ही जानता है जितना कि आज तक तूने अखबारों में पढ़ा है और टीवी में देखा, और वो भी आधा सच और आधा झूठ, क्योंकि अमर जेटली अपना बचाव करने के लिए यहाँ पर नहीं। वो बच चुका है, भागने वालों को अपना बचाव करना जरूरी नहीं होता। इससे नहीं, मरा हुआ इंसान अपना बचाव नहीं कर सकता है, और अमर जेटली मर चुका है, उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं वो गूंगा इंसान हूं जो उसकी बेवा बीवी और उसकी माँ को खुद को बचाने के लिए जिसने अपनी जमीर की जबान काट कर फेंक दी है। समझा? सेठ, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। बाहर गया था खुली हवा खाने। सेठ, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? सिर प्लीज, सिर लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज सिर, मैं तुम्हारे सेंटिमेंट समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? सिर, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, कम से कम आज की रात तो हमें पब्लिकली एक साथ रहना होगा। सिर, मैं तुम्हारी फ्रीडम में कोई बाधा नहीं डालना चाहती, लेकिन प्लीज सिट, प्लीज।